गाइस, तो देखो मेरा बाइक सर्विस होके आ गया है, कल ही आ गया था, पर मैं देखने नहीं आया था ऊपर से कौन आएगा नीचे देखने के लिए, तो अभी जिम जा रहा हूँ तो देख लेता हूँ। ठीक तो एकदम सही रहे, हो गया काम बराबर सब। सबको देखो कितना मस्त है, पूरे टाइम बस इधर से उधर घूमते रहते हैं, और एटलीस्ट अपने घर पे तो रहते हैं, मतलब ये उनका घर है ना। और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, वाह। पर कोई नहीं, आज लास्ट डे है, वीकेंड शुरू होगा, ये रक्षाबंधन आने वाला है। भाइयों और बहनों, मेरे 5-6 भाई है, मस्त कमाई होने वाली है भाई। एनीवेज गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बाय बाय, तुम लोग मज़े करो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल काम करने, आराम करो ठीक है। और तू यार बहुत खुजा रहा है, बहुत खुजा रहा है। आराम करो, बाय। तो आज मेरा वो वाला दिन है जब भी सिग्नल पे पहुँचती सिग्नल बंद हो जाता है, और पूरा सिग्नल का टाइम वेट करना पड़ता है, मतलब 110 से लेके पूरा मेरे को वेट करना पड़ रहा है। मैं फर्स्ट होती हूँ सिग्नल पे, ऐसा टाइम आ रहा है अभी। ये यहाँ पे जो सिग्नल था वो भी पहुँची वैसे ही, राइट साइड का बंद हो गया, सीधा वाला चालू था, तो क्या नसीब है आज यार। आज लेट तो मुझे रोज ही होता है, जल्दी भागना रहता है तभी ये सब हो रहा रहता है यार। ये देखो इधर भी वापस सेम हुआ, मैं आगे खड़ी हूँ, इधर आगे की साइड हूँ, आई वैसे ही सिग्नल बंद। नसीब है यार, नसीब। बस उधर जाके ज़्यादा ओपीडी ना हो हॉस्पिटल में, वरना मेरी बैंड बच जाएगी, भाग के सीधा काम। तो मैं ना अपना नसीब को ऐसे नसीब से जीत जीत के लड़ लड़ के हॉस्पिटल पहुंची, सब सिग्नल क्रॉस कर करके। और फिर जो तुम लोगों ने वो देखा, वो ओपीडी की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ओपीडी थी। और मेरी फिर बैंड बज गई, क्योंकि मैं नीचे बैठी हुई थी, नीचे कंप्यूटर लेके मैं बैठती और ऊपर ये लोग मेडिसिन भेजते हैं, फिर थोड़े कॉम्पिटिशन बढ़ गए ना, इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अभी जिम जाके आया मैं, और देखो मैं गीला हो गया, मेरे चश्मे देखो दिख रहे। तो अभी प्रोटीन गिरा, ये पापा का है एक्चुअली। पापा बोलते मेरे में से नहीं पीने का, तू बहुत फटाफट ख़त्म कर देता है। पर पापा को क्या समझेगा मैं लेता हूँ कि नहीं, समझता नहीं उनको, पर ये ब्लॉग देख के समझेगा शायद से उनको। डाल दिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसलिए मैं कभी कभी फ्लेवर चेंज के लिए थोड़ा ले लेता हूँ। और आज फर्स्ट टाइम किसी ने सामने से आके बोला कि बॉडी बन गई है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कोई बोलता ना सामने से आके कि बॉडी बन गई है। क्योंकि वो जिसने बोला ना, वो मुझे 2 या 3 महीने पहले मिला था जिम में, बीच में पता नहीं कौन से टाइम पे आता था, पर आज आके उसने बोला कि बॉडी बन गई, मतलब मैं फिर मिरर में देख के हाउस लॉन्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे कोई बोलता है। पर ज़्यादा हवा में नहीं उड़ने का, करते रहने का, प्रोग्रेस लाइफ टाइम है, पूरा लाइफ टाइम करते रहे। रस बादाम चिकन दे दो ना, रस बादाम चिकन 3 किलो। लेकिन चार्ज रहने का अर्थ है कितना होगा? 1,000 तो ये जो डेयरी है भरूचा डेयरी करके, एक बहुत पुराना डेयरी है दहीसर में, तो यहाँ का श्रीखंड एकदम मस्त मिलता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी मेरे घर पर रक्षाबंधन के लिए लोग आने वाले हैं, तो मैंने यहीं से श्रीखंड लिया, 3 किलो श्रीखंड लिया, सोचो इतने सारे लोग आने वाले। इन लोगों का ना खुद का इधर तबेला है, यहाँ से एकदम फ्रेश दूध आता है, और उसका श्रीखंड और दूध सब एकदम फ्रेश मिलता है यहाँ पर, ट्राई करो एक बार आके। ये देखो ये पूरा दहीसर मार्केट का एरिया है, रक्षाबंधन की वजह से पूरा सब फेस्टिवल की तरह लग रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से फिलहाल सब बंद हो गया था, और ये सब देखकर इतना खुशी हो रहा है ना मेरे को। तो आज मैं हॉस्पिटल से जल्दी निकल गई, काम फटाफट हो गया था मेरा सब, सुबह बहुत ज़्यादा ओपीडी थी, बस फिर हो गया था काम। आई हूँ कहाँ पे पता है, इतना सारा बोझा लेकर मैं जा रही हूँ पार्लर, मी टाइम सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। ये जो पार्लर है ना, वो मेरे मासी का है, मेरे कज़िन मासी है, उनका पार्लर है, तो मैं हमेशा बचपन से यहीं पर आ रही हूँ। मम्मी मेरे को पहली बार लेके आई थी, उसके बाद से मुझे कहीं और जमता ही नहीं है, मुझे बस यहीं पे जाना।
तो मैं पार्लर जाके घर आ गई हूँ और घर पे कौन आया है बता दो। कौन आया वापस देखो, ये दोनों चिंकी विंकी वापस आ गए। से हाय नाइशा, हाय से हाय, हाय। दोनों चिंकी विंकी आए रियान के साथ खेलने के लिए, है ना बच्चू। दे ताली दे, दे ताली दे, जे जे कर, जे 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 जे। अरे सपोर्ट के बिना जे जे नहीं कर पाएगा। ठीक है रियान, चलो बद्दा ने जे जे करीन दिखाड़ो। रियान जे जे करीन दिखाड़ो, तू जे जे करीन दिखाड़। रियान कहते जे जे करे, नाइशा रियान जे जे कहते करे। तू केम चिल्लावे छे भाई? ये उसकी ट्रांसलेटर है, ये बोलती कुछ समझ में नहीं आता है, निशी ट्रांसलेट करके देती है। अला नहीं, सब कुछ लेना है, सब कुछ तोड़ना है। इसने ये फ्रेम, इधर एक फ्रेम पड़ी रहती थी वो तो तोड़ दी, फेंक दी। अभी वो फ्रेम मत तोड़ यार, विशाल लगाड़ी दे पाछी यार, इन्हें तोड़ी दे सही पाछड़ नो। अरे जो फ्रेम्स है ना, ये जो फ्रेम रियान के हाथ में है, फिर उसके ऊपर वाली और ये साइड वाली, ये अवि ने गिफ्ट की थी मुझे बर्थडे पे, बर्थडे पे, हाँ बर्थडे पे अवि ने गिफ्ट की थी। और ये बीच वाली है वो हम लोग ने शादी के टाइम पे बनवाई थी। और ये भाई साहब ने एक फ्रेम तो तोड़ दी, वो छोटी वाली जो अवि ने गिफ्ट की थी उसमें से। तो नाइशा जो आई थी वो चली गई वापस, क्योंकि वो मम्मी के बिना रह नहीं सकती थी और उसको हम लोग अकेले यहाँ पे नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उसको मम्मी लेने आई और वो चले गई। अभी निशी है वो बाजू में सोई हुई है और रियान सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज मैंने ये जिम्मेदारी विशाल को दी हुई है कि भाई तू सुला उसको, सुला दे विशाल। ये देखो दे दिया मेरे को, मेरे बच्चे को देखो आ गया वापस। गिलते गिलते बच गया मेरा बच्चा। और यही चीज अगर मैंने की होती ना तो विशाल क्या बोलता, निधि संभाली ने करवानो, निधि संभाली ने करवानो। और अब खुद किया तो क्या, कुछ नहीं, हंस के चले गया। हाँ इसका ऐसा ही रहता है। वो तेरी जीभ लेके रहेगा, ये जीभ मुझे दे दे विशाल, दे दे ये जीभ मुझे। जीभ मतलब टंग।